और महादेव संसार के संहार करता। और हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने और यहाँ पे ध्वज चलाने चुका है। नदी भी देख सकते हैं आप, काफी गहरी यहाँ की। बैबो भाई पीछे चलते हुए आ रहे हैं। वीडियो ब्लॉग है। पीछे मम्मी पापा भी आ रहे हैं साथ में, सभी लोग चल रहे हैं दर्शन करने। ये देख सकते हैं यहाँ की मंदिर कैसी है। पीछे मम्मी पापा भी आ रहे हैं साथ में, सभी लोग चल रहे हैं दर्शन करने। ये देख सकते हैं यहाँ की मंदिर कैसी है। गाइस हम लोग अभी चल रहे हैं माँ नर्मदा में नहाने के लिए, स्नान करके अभी आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का। और इस यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये देखिए सामने नदी आ रही है, तो अभी इसमें चल रहे हैं स्नान करने पहले, फिर चलेंगे ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे। चैनल का नाम क्या है? नाइट एट अभी ब्लॉगर, अभी ब्लॉगर सर्च कर लेंगे। अभी ब्लॉगर सर्च कर लेंगे, आ जाओ। रब्बा जानदा, रब्बा जानदा, तेनु कितनी मोहब्बत दिल करदा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अंदर की ओर आ चुके हैं, यहाँ से थोड़ा ही दूर है और हम लोग नदी की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नीचे की ओर, इधर नदी। जय महाकाल, जय महाकाल। अब किधर चलना है भाई? और दादाजी किधर से रास्ता है यहाँ पे? उधर ना आए, उधर है क्या? उधर, हाँ उधर, उधर जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग को उधर चलना पड़ेगा अभी नहाने के लिए, फिर आइए चलते हैं उधर। सो गाइस एक पुल और आ चुका है जहाँ से हम चल रहे हैं नीचे, वहाँ पे नहाने के लिए। तो गाइस आइए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, सौ बातों की एक बात है, मैं ना जाऊंगा कभी तुझे। अब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर। लोग को यहाँ पे स्नान करेंगे, फिर थोड़ा नाव में टहलेंगे, अभी दिखाते हैं आपको। ये रही नदी, ये रहा यहाँ का पुल जो कि बहुत बड़ा बना हुआ है, देख सकते हो गाइस। तो गाइस यहाँ पे भाई नींबू पानी बना रहे हैं क्लास। भाई इधर देख के यहाँ करेंगे, मम्मी जी भूखी हो चुकी हैं, थक गई हैं। पकड़ो, लो बेबे, पकड़ यार। ये रहा जूस, लीजिए मम्मी। तो गाइस हम लोग भी अभी स्नान करके आ चुके हैं, अभी चल रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। तो गाइस आइए अभी आपके लोग को दिखाते हैं यहाँ के पूरा सीन भी। सो गाइस हम लोगों ने फूल ले लिया अभी चढ़ाने के लिए। तो गाइस स्कूल ले लिया हम लोगों ने और अब चल रहे हैं महाकाल के दर्शन करने, महाकाल के दर्शन करने चल रहे हैं।
तो गाइस हम लोग आज के मंदिर के अंदर चल रहे हैं दर्शन करने। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, ये देख सकते हैं गाइस काफ़ी भीड़ है आज के, और सोमवार का दिन है। तो गाइस आइए चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं। हाँ बाबा के पीछे बैभव भाई भी आ रहे हैं साथ में हमारे। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कितनी सारी भीड़ आई हुई है, कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं जो कि यहाँ के दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो आइए गाइस आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं। देख सकते गाइस हम धीरे धीरे लाइन में बढ़ रहे हैं आगे। सामने का व्यू देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस अभी इतने ऊपर आ चुके हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, और वहाँ पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, लाइन लगी हुई है। और आगे तो गाइस महाकाल के दर्शन हो गए हम लोग को, बहुत ही मज़ा आया। बहुत बड़ी मंदिर है भाई, आप लोग भी आना यहाँ इंदौर में। और देख सकते हैं मेरा भाई DSLR लेके चल रहा है अभी भी, मेरी फ़ोटो खींचेगा भी। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे फुल व्यू चढ़ाने हैं, इधर से चढ़ते हुए चल रहे हैं घर पे, अपने घर की तरफ। और एक बार फिर से नदी का व्यू देख सकते हैं आप लोग हमारे पीछे। और भाई मंदिर में तो बहुत ही भीड़ थी, आप लोग कमेंट बताना कैसा था, दर्शन तो नहीं करा पाए लेकिन हम लोग करके आए। तेरी क्या ही बात है बोल शंकरा, तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तो साथ है, ओ दूर होके भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण।